हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर को। सॉल्यूशन मींस होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन हमेशा सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मदद से ही बनता है। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, अ सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू बाइनरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम जब एक्सप्रेस करते हैं तो हम टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट पर मिलियन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इन सभी कंसंट्रेशन टर्म में मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, इन सभी को ज़्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं। टेक्निकली अगर बात की जाए तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है मोलैलिटी। अब किसी भी गैस को जब हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं सो ये हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग फॉलो होता है, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ ए सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अलोंग विद द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हम इसे डिटेल में चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है रोल्स लॉ। सोल्यूट जो है ये वोलेटाइल भी हो सकता है और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी हो सकता है। तो जब वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो टोटल प्रेशर पर या पार्शियल प्रेशर का क्या संबंध होता है टोटल प्रेशर से, वो हम रोड्स लॉ के अंदर पढ़ते हैं। क्वालिटेटिवली अगर हम बात करें तो रोड्स लॉ क्या होता है कि टोटल प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट एज वेल एज सोल्यूट। रोड्स लॉ से जब कोई भी सोल्यूशन डेविएशन को शो करता है तो वो या तो आइडियल सोल्यूशन बनता है या नॉन आइडियल सोल्यूशन बनता है। कोई भी सोल्यूशन अगर रोड्स लॉ की हर कंसंट्रेशन टेम्परेचर की कंडीशन को मानता है तो उसे हम कहते हैं आइडियल सोल्यूशन, यानी द सोल्यूशन विच ओबेज रोड्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। और जब डेविएशन ज्यादा हो जाता है, वो रोड्स लॉ को फॉलो नहीं करता, तब वो सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी के अंदर आता है। रोड्स लॉ से लार्ज डेविएशन शो करने का मतलब क्या है कि या तो वो डेविएशन पॉजिटिव होगा या वो डेविएशन नेगेटिव होगा। सो डिपेंडिंग अपॉन पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, सॉल्यूशन दैट इज एजियोट्रॉप और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर केम इनटू द वेरी एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी करेंगे जिसे कहते हैं कॉलिगेटिव। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, लेकिन ये सॉल्यूट पार्टिकल्स के नेचर पर कभी भी डिपेंड नहीं करती। यानी कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट में जाने के बाद डिसोशिएट होते हैं या एसोशिएट होते हैं, कितने पार्टिकल्स देते हैं ये इस पर तो डिपेंड करती है, पर सॉल्यूट की नेचर क्या है, फॉर एग्जाम्पल वो आयोनिक है या वो कोवेलेंट है या वो किस तरीके का कंपाउंड है, ये इस पर डिपेंड नहीं करती। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की फोर टाइप्स को हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जब हम सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल देते हैं तो वेपर प्रेशर में जो कमी आ जाती है उसी को हम कहते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर पी नॉट ए का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी ए का मतलब प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, एक्स बी का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। सो यहां से डेफिनेशन निकल कर आती है दैट रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। अनदर इम्पॉर्टेंट वन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है यानी बढ़ जाता है। तो जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो जो सोल्यूशन बना उसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से हमेशा ज्यादा होता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम डेल्टा टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। इन टॉपिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि आप किसी भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मोलिकुलर मास विद द हेल्प ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से मोलिकुलर मास को कैसे निकाल सकते हैं,
that elevation in boiling point is equal to the KB into weight of the solvent, weight of the solute, sorry, 1000 molecular mass of the solute and weight of the solvent. KB का मतलब है यहां पर molar elevation constant. Next आता है depression in freezing point. तो जब हम किसी भी non volatile solute को solvent में डालते हैं तो जो solvent है उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है, कम हो जाता है, और जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाता है. तो इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब कि जब प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ गया और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया. इसकी मदद से हम मॉलिक्यूलर मास को निकाल सकते हैं. ऊपर की तरह ही केबी की जगह हम लिख देते हैं Kf, weight of solute into 1000 upon molecular mass of solute into weight of solvent. Molecular mass of the solute, इसी quantity को हमको हमेशा find out करना होता है. Next one, osmotic pressure. Osmotic pressure को हम pi से represent करते हैं. Osmotic pressure, जब कभी भी osmosis की process होती है तो उसकी वजह से generate होता है. इस ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर जब हम लगा देते हैं तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस रिवर्स डायरेक्शन में हो जाती है, जिसे हम पढ़ते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस. रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में अगर हम बात करें तो जिन कंट्रीज के अंदर पीने के पानी की समस्या होती है वहां पर समंदर के पानी को प्योरीफाई किया जाता है, यानी डिसलाइनेशन ऑफ सी वाटर, तो वहां पर रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल होता है. यूजली घरों के अंदर जो हम आरओ का पानी पीते हैं, RO water, so RO stands for reverse osmosis. इसकी मदद से भी हम molecular mass की calculation को कर सकते हैं. अब कोई भी solute solvent के अंदर जाने के बाद associate होता है या dissociate होता है, तो उसके degree of association या degree of dissociation को हम want of factor यानी I से represent करते हैं. और want of factor को हम किस तरीके से find out करते हैं, that it is equal to the ratio of normal molecular mass to the abnormal molecular mass. अगर in terms of हम colligative property की बात करें तो want of factor is equal to the observed colligative property divided by calculated colligative property. This is all about the solution chapter. इस chapter को पढ़ने के बाद any student or every student is capable of answering questions like what is a solution, what is the difference between ideal and non-ideal solution, what are colligative properties, how colligative properties are associated with the calculation of molecular mass of a non-volatile solute, and how want of factor is extremely important in determining the degree of association or dissociation in terms of calculation of normal molecular mass to the abnormal molecular mass. This is all about the solution chapter. Thank you.